हाय एवरीवन, आप सबको फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूँ कि आप सब लोग किस प्रकार से अपने कॉल के डायलर में दोस्तों अपना या किसी और के फोटो को लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सब लोग अपना या किसी और के फोटो को लगाना चाहते हो अपने कॉल के डायलर में, तो आप सब लोग बहुत ही सही वीडियो पर आए हुए हो। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो दोस्तों, आप सब लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा उसी प्रकार से आप सबको अपने फोन में करते जाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप सब लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं, जो कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबको लेकर चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ गए अपने फोन की स्क्रीन पे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप सबको दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, आप सबको दोस्तों मैं जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से आप सबको अपने फोन में करते जाना है। तो दोस्तों, आप सबको उससे पहले एक बात और बता दूं कि दोस्तों आपके फोन में जो ऐप दिया हुआ रहता है पहले से, दोस्तों उन सभी ऐप में आप सबको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आपके फोन में जो दिया हुआ रहता है दोस्तों पहले से ऐप आपके कॉल का, उसमें दोस्तों आप सबको वहाँ पे आपके कॉल ड्राइवर में फोटो को लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सबको क्या करना है कि आप सबको चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। यहाँ पे दोस्तों आप सबको आ जाना है और यहाँ पे सर्च वाले पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो, इसके बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों, मैं यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा हूँ उसी प्रकार से आप सबको अपने फोन में लिख लेना है। अच्छे से यहाँ पे आप लोग देख लो, जैसा मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसी प्रकार से आपको अपने फोन में लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करते के साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप सबको इस प्रकार का ऐप देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है माई फोटो फोन डायलर। आपको दोस्तों इसी पे क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप सभी लोग, जो कि यहाँ पे 6.8 MB का है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लो, यहाँ पे 6.8 MB का है और इसका स्टार है 4.0 स्टार है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसे ही आपको डाउनलोड करना है, आपको इसे ही इंस्टॉल करना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि आप लोग हमारे फोन की स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जब डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप सबको इस ऐप को ओपन करना है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ओपन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एंड एक्सेप्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। दोबारा से आपको इसी पर क्लिक करना है, इसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। इतना करते के साथ ही आपको इस प्रकार का आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हो, जो कि इस पे का फोन लिखा हुआ आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। जो यहाँ पे फोन लिखा हुआ आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। आप इस पे एक बार जैसे ही क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि लिखा हुआ है सेट एज डिफ़ॉल्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको इस पे का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप सबको अपने डायलर में फोटो को लगाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो लिखा हुआ है डायलर, आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। आप एक बार जैसे इस पे क्लिक करते हो, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप सबको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि लिखा हुआ है बैकग्राउंड। आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन एक देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे इस प्रकार का गैलरी के टाइप का यहाँ पे होता है। आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ पर जो अलाउ लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ से दोस्तों आप सभी लोग अपने गैलरी में चले जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको अपने फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे आप अच्छे से फोटो को बीच में इस प्रकार से बैठा लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे किस प्रकार से बैठा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्रॉप एंड अप्लाई, आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से फोटो सेव हो चुका है। दोस्तों आप लोग अपना या किसी और के फोटो को लगा सकते हो। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और आप सबको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे उस ऐप को दोबारा से यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो आपको इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेटिंग है इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप सबको यहाँ पे डायलर वाले पे क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे डायलर वाले पे भी यहाँ पे किस प्रकार से फोटो सेव हो चुका है। दोस्तों आप सभी लोग इसी प्रकार से अपने कॉल के डायलर में फोटो को सेव कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फोन की स्क्रीन पे किस प्रकार से सारे फोटो, यहाँ नंबर जितने भी हैं सारे नंबर पे यहाँ पे किस प्रकार से फोटो हमारे फोन के डायलर में इस प्रकार से आ चुका है। दोस्तों आप सभी लोग इसी प्रकार से कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग चाहते हो किसी प्रकार की नई नई जानकारी आप सब तक पहुंचे, तो आप सभी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।